इंडिया में छोटे छोटे पाकिस्तान बन रहे हैं। बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा ने नई दिल्ली के इंतखाबात को पाक भारत मुकाबले से तशबीह दे दी। शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज का जिम्मेदार हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों को करार दे दिया। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 8 फरवरी से इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां बीजेपी के सिवा तकरीबन तमाम सियासी जमातें शहरियत के मुतनाज़े कानून को मुल्क के लिए नुकसानदेह समझती हैं और इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों की हिमायत में बोल रही हैं। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कपिल मिश्रा के बयान पर एक हंगामा बरपा है, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली के इलेक्शन को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुकाबले से तशबीह दी है। ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक ट्वीट में बीजेपी के रहनुमा कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में कई हफ्तों से जारी खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को मिसाल बनाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुल्क में शाहीन बाग तर्ज के छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए हैं। कपिल ने अपनी ट्वीट में यह भी लिखा कि इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान, 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान दिल्ली की गलियों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने कपिल मिश्रा की ट्वीट पर नोटिस लेते हुए इस ट्वीट को हटा दिया और बीजेपी रहनुमा को आइंदा इस किस्म के ट्वीट से इस्तेनाब बरतने की हिदायत की।